हे गाइस, वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉग। आप सभी को स्वागत है। ये ब्लॉग थोड़ा ख़ास है क्योंकि हम मतलब जाने वाले थे थोड़ा बाद में, लेकिन हमें थोड़ा कुछ इमरजेंसी हो गई तो हमें जल्दी जाना पड़ रहा है। तो फाइनली हम ट्रेन पे चढ़ गए हैं और ये ब्लॉग बहुत ही ख़ास है क्योंकि हमें घर पे किसी को बताया नहीं, बताया तो सिर्फ एक ही मेम्बर, वो मेरे भैया को। तो उनको पता है क्योंकि वो हमें पिक करने के लिए आ रहे, तो उनको बताना तो ज़रूरी है। तो हम अभी ट्रेन पर बैठ चुके हैं तो ये दोनों मस्ती कर रहे हैं और पता नहीं हमारा तो इतना लॉन्ग जर्नी है, इतना कैसे पार होगा, कैसे टाइम मतलब पार करेगा, कैसे दोनों मस्ती कर रहे हैं। तो चलो ऐसे ही करके हमें पूरे 3 दिन 2 रात बितानी है ट्रेन पर। तो हमें तो 3 दिन 3रे दिन पर ही हम पहुंचेंगे, वो भी शाम को रात हो जाएगी शायद। तो हम ये दोनों मस्ती कर रहे हैं, पापा बेटी। तो मतलब इतना एक्साइटेड है, पूरे हम 1 साल की बात जा रहे हैं क्योंकि हम इतने दूर पे रहते हैं तो बार बार जाना बनता नहीं और बच्चे को लेकर ट्रैवल करने में बहुत ही दिक्कत होती है। तो सो इसीलिए हम पूरा 1 साल में ही जर्नी कर रहे हैं। तो बहुत ही मतलब एक्साइटेड भी है और उससे भी एक्साइटेड है कि ये मतलब हमारे तो सीधे जाएंगे मम्मी पापा के घर पर, तो उनको ये चीज़ पता है नहीं, तो पूरा मतलब सरप्राइज होने वाला है। और सानवी भी बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि उसको मतलब ट्रेन में बैठने की मतलब बैठने के चढ़ने के लिए बहुत ही मतलब पसंद है। और कितने दिन से वो मतलब सिर्फ मुझे पिक्चर पे दिखाती है, ट्रेन पे जाएंगे ट्रेन पे जाएंगे, तो उसको भी कुछ तो अलग ही मज़ा आ रहा है। और ऐसे ही मस्ती करते करते जा रहे थे और हमें बाद में और एक फैमिली मिली, तो उनकी भी 4 बच्चे थे, तो साथ ही सानवी के लिए और फ्रेंड मिल गए, तो हमारे खुद के लैंग्वेज के थे वो। और इतने मस्ती से वो तीनों प्यार से खेलते हुए टाइम स्पेंड करते हुए मतलब कैसे दिन चला गया पता ही नहीं चल। तो फाइनली हमारा मतलब 3रा दिन भी आ गया, तो हम कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं और हम मतलब वेट कर रहे हैं। तो हमें मतलब ऐसा लग रहा है कि ये टाइम क्यों पार हो नहीं रहा है। तो सारा मतलब मेम्बर्स भी ना मतलब उतर चुके थे और पैसेंजर सब उतर चुके थे और इतना मतलब हमारा लास्ट पे पड़ता है ना, सबसे बोरिंग चीज़ ये है, हम सबसे लास्ट पे उतरते हैं। तो ऐसे करते हमारा बैग वो सारा मतलब हमने बाहर कर ली थी, तो और मतलब कोई है नहीं, बहुत कम ही लोग थे इधर, तो मतलब सारा मतलब सब लोग उतर चुके थे। तो ऐसे करते ही फाइनली हम मतलब अपना मंजिल पहुँच चुके हैं। तो हमारा स्टेशन आ चुका है और वो स्टेशन को देख के सानवी भी एक्साइटेड हो रही है, हमें क्या उतर उतरना है ये ऐसे पूछ रही है। तो मैं बोल रही हूँ हाँ हमें इधर ही उतरना है, तो हम मामा के घर आ चुके हैं। तो इतना एक्साइटेड है, तो मुझे तो इतने ठंड लग रही थी ना, इधर इतना बारिश हो रहा था, इतना ठंड हो रहा था, मैंने तो शॉल ही निकाल कर लगा ली। तो मामा इसके मामा भी आ गया, मैं उस टाइम मतलब वीडियो बना नहीं पाई। तो ओके। तो इधर इतना बारिश हो रहा है, हमारे उधर तो इतना गर्मी था, मतलब बारिश तो मतलब बहुत ही कम मिलता है, इधर तो इतना बारिश है, इतना बारिश है ना, मुझे तो ठंडी लग गई, तो इतना ठंड लग रहा था। तो ऐसे करते हम अपना मतलब ये जो प्लेस है ना, ये जो जगह है, ये जो सिटी, मुझे मतलब देखकर इतना अच्छा लग रहा है। तो मुझे लग रहा है फाइनली मैं पूरे 1 साल के बाद आ चुकी हूँ और हमारे मैं अभी हम तो घर की पास पहुंच भी चुके हैं, हम बाहर है गेट के बाहर, तो भैया अंदर गाड़ी को अंदर मतलब कार को अंदर चले कर जा रहे हैं। तो हमें लग रहा है कहीं मतलब वो पापा मम्मी हमें देख ना ले, तो हम थोड़ा साइलेंट से जा रहे हैं। लेकिन पापा गेट ओपन करने आ गए थे, तो गेट ओपन तो देखते इधर पापा बाहर ही है, लेकिन उनको पता नहीं। तो मेरे भैया ने इतनी हेल्प की है, उन्होंने बताया कि घर पे कोई गेस्ट आ रहा है उनके फ्रेंड के फैमिली, तो हमने सोचा तो सानवी को बाहर अकेले कर देते हैं तो उनको इसको पहचान पाएंगे कि नहीं। पापा तब तक गेट बंद कर रहे हैं, तो आ गए। तो सानवी को लेकर तो जा रहे, तो पापा चलो चलो बाबू चलो अंदर चलो बोल रहे, लेकिन उनको ना एक चीज पता नहीं चल रहा है, ये जो खुद का नातिन है। तो वो अंदर अंदर देख रही है, तो मम्मी को ढूंढ रही है, वो तो फ़ोन पे डेली देखती है। तो मम्मी अंदर से आ रही है, हम गाड़ी के अंदर ही है, तो अंदर से आ रही है, तो मम्मी सोच रही है कोई गेस्ट है। तो हम अंदर से मतलब मम्मी सोच रही है ये कौन है, मम्मी भी पहचान नहीं पा रही, इतना मतलब अजीब मोमेंट हो रहा है ना। मम्मी सोच रही है कोई गेस्ट उनका बच्चा होगा, तो वो भी सोच रही थी ना कि ये हमारा सानवी की तरह ही है। तो भैया हंसते हुए आ रहे आगे, तो मम्मी उनको गोदी पर उठा ले, तो हम गए नहीं, तो हम धीरे से बाहर वो जा रहे हैं इनके पापा। तो अब ये जब बाहर चले गए तभी मम्मी को पहचान पा रहे, तो
वो मम्मी बोल रही है एकदम, ये जो गेस्ट बच्ची है तो इसको ना हमारे सानवी के साथ रखेंगे तो दोनों ए टू जेड लगेंगे। तो मम्मी को सोचा नहीं था ऐसा, मतलब सरप्राइज मिल गया, जैसे सडनली आ गए हम। तो आज का ब्लॉग इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू सो मच।